जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से। मैं हूं शब्बीर और आज एक कंपनी में हम मौजूद हैं यहां पर हुजूर गार्मेंट्स में। तो यहां का हम आज व्लॉग बनाएंगे, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं जी। अच्छा, अभी ये रेंज बिछा रहे हैं, अभी ये रेंज के बाद फिर ये कटिंग होता है। कटिंग डिपार्टमेंट हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो कटिंग होती है ये हमारा कटिंग डिपार्टमेंट है जी। ये हमारे कर रहे हैं। अच्छा, ये सीनियर है हमारे वसीम भाई। वसीम भाई क्या हाल है? ठीक है, वसीम भाई ये कटिंग डिपार्टमेंट है। ये अभी कटिंग हो रही है, टी शर्ट की कटिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, यार मैं दिखाता हूँ दुनिया का माँ हड्डाराम जो है ना वो। ये मोटू भाई, ये लाइन को माल मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, तबीयत खराब है, लाइन में माल कैसे? ये दुनिया का वाहिद बंदा है जो क्या है, खुद बता तू। अच्छा ये भाई काम पे कितने बजे आए हो? 3 बजे है अभी नींद से उठ के। भाई ये काम मिलेगा आप लोगों को आगे? मिलेगा, मिलेगा। ये माँ हड्डाराम है, ये वाइट शख्स है, ये देखो भाई इसको। ए इधर रजा, शक्ल देखो इसकी, ये काम करने वाली है। इधर देख, ये देख। आ गए हम सेक्शन में क्रोपिंग पे, जहाँ पर क्रोपिंग हो रही है। और ये हमारे, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है ना, क्या बात। अच्छा कितने पीस निकल जाते हैं दिन में? रोटा निकल जाते हैं, रोटी के पैसे, रोटी के पैसे निकल जाते हैं। नहीं वैसे कितने रोजाना? अच्छा डेली पीस कितने निकलते हैं आपके? 600 पीस। 600 पीस का कितना बनता है? 600 पीस का 600 रुपया। 600 रुपये बनता है। अच्छा डजन का हिसाब होता है सैकड़ों का? 1 रुपये का पीस। अच्छा ये दर्जन का हिसाब होता है, क्रोपिंग कर रहे हैं ये। अभी चलते हैं आगे, ये भी बैठा हुआ है। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो ना? कहाँ से आए हो? दादू से आए हो? अच्छा दिहाड़ी क्या रेट, क्या हिसाब किताब दे रहा है ठेकेदार? 12 रुपये। यार ये भी देखो इनकी पढ़ने की उम्र है, और लेकिन ये बेरोजगारी की वजह से ये काम कर रहे हैं भाई। ये सारा सेक्शन जो है वो क्रोपिंग का, ये भाई क्रोपिंग कर रहे हैं। अच्छा इसमें मशीन का भी होता है और ये हाथ का भी, ये हाथ से ये क्रोपिंग कर रहे हैं।
अच्छा ये माल इनका पड़ा हुआ है इधर। अच्छा ठेकेदार इनके आप हैं जी? तो कैसे ये काम कर रहे हैं यार? पहले तो ये हाथ का, अभी तो ये हाथ से काम कर रहे हैं, वैसे तो ये मशीन का काम होता है, मशीन से भी होता है ना। अच्छा मशीन में और इसमें क्या फर्क है? मशीन में ये है ना कि इसमें मशीन में स्टिकर तंग करता है। अच्छा और हाथ पे ये है कि हाथ से करते हैं स्टिकर काटते हैं। अच्छा इसमें सफाई का होता है ना, धागा नहीं रहता उसमें, धागा रह जाता है ना, ये नॉर्मल कपड़ा है ना। अच्छा अच्छा तेजी से देंगे ना ऐसे धागे तो सही करने के बाद। सही सही। अच्छा ये दिन में कितना माल निकालते हैं? ये इधर जितना मिलता है निकाल देते हैं, कोई 500 बनाते हैं, कोई 600, कोई 1000, हर किसी के अपने हाथ के हिसाब से। हाथ के हिसाब से जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल। अच्छा यार ये हमारे अंदरूनी सिंधी, ये दादू के हैं सारे सिंधी बिरादरी या भाई काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो माशाल्लाह से सिंधी अभी निकल रहे हैं बाहर और काम के लिए, तो लोग बोलते हैं कि यार सिंधी लोग काम नहीं करते, देखें आप ये कितने मेहनत कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो ये दादू के हैं सारे, अब सारे दादू के क्या माशाल्लाह से ये सारे दादू के हैं भाई। यार ये प्रेस के सेक्शन में आ गए, ये प्रेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। नाम क्या है भाई का? इरफान नाम है। इरफान भाई ये सैकड़ों के हिसाब से होता है या दर्जन के हिसाब से होता है? आप दर्जन के हिसाब? दर्जन के हिसाब से होता है। अच्छा दिन में कितने पीस बन जाते हैं? 12-1300 दिहाड़ी बन जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार यहाँ पर ये सैकड़ों का हिसाब नहीं होता है और दर्जन का हिसाब है। दर्जन क्या है? 18 रुपये दर्जन है यार, 18 रुपये दर्जन है। और यहाँ पर ये प्रेस कर रहे हैं, ये प्रेस के सेक्शन में हम मौजूद हैं अभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।